मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 31 अक्टूबर 2021, अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 15 नवंबर 1989। आज के व्यक्त मुरली का सार है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं, स्वयं का उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्वयं उपकार में ही बिजी हो। बाबा पूछ रहे हैं, आप बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्वयं के उपकार में बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वोपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है या वर्णन के अभ्यास की बात है, तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का ही स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से सूक्ष्म है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हैं, सच्चे दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता सच्चे दिल पर साहिब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है, इस विशेषता से ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वे पॉइंट रिपीट कर सकते हैं लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर हो गए। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में, चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वो दुआओं के कारण ड्रामानुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो चेक करो, मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था, दिमाग से सेवा करने वालों का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पुरुष सेवा का उनकी विशेषता क्या रही, कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पुर वालों की भाषा नहीं थी। जो हमारा पहला पुर अर्थात दादियों वाला ग्रुप था, कोई शुरू शुरू में इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था, इतने सारे किस्से कहानियाँ ये भी नहीं सुनाते थे, लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज़ था। इसलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, मिक्सर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा कैसी भी थी
कांटों से गुलाब तो बन ही गए, वो पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे ग्रुप में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन वो कम है। आदि की पहली अब तक चल रही है। कौन सी पहली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहली हल करना आता है ना, या दूसरा बताए तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे है, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा, जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन इन बातों में मैं बहुत अच्छी हूँ, इन इन आत्माओं से बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी होती है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह अलबेलेपन का चश्मा। दूसरा है स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा, वो है सच्ची दिल वालों का। वो क्या देखते हैं? जो दिलवाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। जो दिलवाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और अपने आप को देखते हैं। जिनका चश्मा ठीक है स्वोन्नति का, वो अपने आप को और बाप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता वो नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% वो बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। मुझे बदलकर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात अलौकिक जन। इसको कहते यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। मानव जीवन की दो मुख्य बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, इसलिए सदा चेक करो सच्ची दिल से साहिब को राज़ी किया है। सिर्फ अपने मन को व सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राज़ी नहीं किया, सच्चे साहिब को राज़ी करना इसकी बहुत निशानियां हैं। जिसने सच्चे साहिब को राज़ी किया है उसकी बहुत निशानियां हैं। इस पर आज मनन करना, रूहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, जैसे दुनिया वाले कहते आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से आप स्वयं को देखते हो, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हो। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनके जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वो प्रभाव उनको भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल के दिखाना। समझा? सदा सर्व आत्माओं के प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राज़ी करने वाले, विशाल दिमाग, सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले,
स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दिल्ली ग्रुप से मुलाकात, सभी के दिल में बाबा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक अनुभव करे कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सबके दिल में बाबा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाबा ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। बाबा में संसार समाया है इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल, अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाबा की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाबा की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह अल्पकाल का स्नेह, ये है अविनाशी स्नेह। ये एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी, तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए। अपनी जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ, कितनी प्यारी जीवन है। अनुभव करेंगे कितनी श्रेष्ठ, कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो, सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इसे परेशान तो नहीं होते। ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन ये है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो, 16 कला अर्थात फुल। ये जीवन अति प्यारी है ऐसा अनुभव होता है ना। या कभी जीवन से तंग हो जाते हो, तंग होकर ये तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शांत से जाएंगे। सेवार्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती? जब हैं ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो क्या वो सतो प्रधानता दिखाएंगे? वो भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना, तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हों लेकिन उस समय तो वो भी बच्चे बन जाते हैं अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वो कितना भी परेशान करें आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की? वो तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा, आपको अपनी शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता? आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। औरों से भी परेशान हो जाते हैं, कई कहते हैं और सब ठीक है, ये एक ही ऐसा जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे दस हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर नहीं। तो सदा ये वरदान स्मृति में रखना, हम सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं।
कभी परेशान होने वाले नहीं, हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, कभी परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है। अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा, इस शान में रहना तो सदा खुश रहना और खुशियाँ रहना, खुशियाँ बांटना, स्वयं खुश रहना, खुशियाँ बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सब कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, नेक्स्ट है वारंगल ग्रुप। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो? जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ हैं, तो डबल लाइट भी हो माइट भी हो, समय पर शक्तियों को यूज़ कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आती हैं, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है अगर समय पर यूज़ नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सकें, इस बात का अभ्यास आवश्यक है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को यूज़ कर सकें, इस बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं माया आ गई, क्यों आ गई, परखने की शक्ति यूज़ नहीं की तभी तो आई ना। अगर दूर से परख लो कि माया आ रही है तो दूर से भगा देंगे ना, माया आ गई आने का चांस दे दिया तभी तो आई, दूर से भगा देते तो आती ही नहीं। बार बार अगर माया आती है फिर युद्ध करके उसे भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले, तो सभी सूर्यवंशी होना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है तो नंबर वन सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी दो कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास, कभी भी मनसा में वाणी में संबंध संपर्क में संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते सूर्यवंशी। मनसा में वाणी में संबंध संपर्क में संस्कारों में कभी फेल होने वाले नहीं, इसको कहते सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो, याद रखना मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं, ये वरदान है। मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं, यही वरदान है। आज का वरदान, सदातीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिसका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वो विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में, वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है वही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ भी मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति।